दोस्तों जय श्री राम, जय हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। आज मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। सप्ताह के सभी बारों में मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी जाती है। मंगलवार के दिन अगर तन से मन से हनुमान जी महाराज की आराधना की जाए तो सारे कष्ट तत्काल दूर हो जाते हैं। मंगलवार को कलयुग का प्रत्यक्ष देवता माना गया है। संकट से उभारने के लिए, संकट मोचन हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं और ऐसी मान्यता भी है। वीडियो ध्यान से देखना। रात के समय जब श्री राम जी विश्राम करते हैं उस समय हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ की जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, उनसे निवेदन की जाए तो आपकी पुकार हनुमान जी महाराज को तत्काल पहुंचती है। और दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं कि इस समय आपकी पुकार, हर एक पुकार हनुमान जी महाराज तक पहुंचती है, वहां तक तत्काल पहुंचती है। और हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की पुकार इस समय अवश्य सुनते हैं। तो दिन की बजाय रात के समय हनुमान जी महाराज की आराधना करना मंगलवार के दिन बहुत ही लाभकारी साबित होता है। तो ये गुप्त जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आए। शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर के अगर पूजा पाठ की जाए तो संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के पूजा पाठ में संयम एवं नियम बताऊंगा। देखिए ये जो संसार चल रहा है ये संयम एवं नियम पर आधारित है। जैसे कि सूरज का एक निश्चित नियम होता है कि इतने बजे उदय हो जाना है, उसी प्रकार चांद का भी एक निश्चित नियम होता है कि इतने बजे उदय हो जाना है। तो ये जो नियम होता है, संयम होता है, ये हमें मर्यादा में बांध करके रखता है और कभी भी हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर नियम तोड़ते हैं तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा एक रेखा नहीं थी, एक प्रकार की मर्यादा थी। माता सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो आपने भी देखा होगा अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं तो आगे चलकर वो हमें नुकसानदेह साबित होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए और कौन से नियम हमें धारण करने चाहिए, साथ ही मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके जीवन में चल रही सारी बाधाएं तत्काल समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। देखिए हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज ने सदा ब्रह्मचार्य का पालन किया है। ध्यान से सुनना, सदा ब्रह्मचार्य का पालन किया है और अपने जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जो भी हनुमान जी महाराज का पूजन करते हैं उसे ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि विवाहित जो लोग हैं अगर हनुमान जी महाराज को मानते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते हैं तो उसे ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बड़ा संकट आता है, मंगल दोष लगता है। और मंगल दोष लगता है तो आपके वैवाहिक जीवन में काफी परेशानी आने लगती है, मान हानि सबसे ज्यादा होती है और हम ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष देख चुके हैं। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है। हनुमान जी की अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो नियमित रूप से आपको करना है, आपको मांसाहार है या फिर शराब है इनका सेवन करते हैं तो मंगलवार के दिन ध्यान रखना, मांसाहार और शराब का सेवन कदापि नहीं करना है। आपने हनुमान जी महाराज का व्रत काफी लंबे समय से रखा है और व्रत का उद्यापन कर दिया है और मांसाहार या फिर शराब का सेवन करते हैं तो ऐसा मत करना। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शाकाहारी चीजों का सेवन करना चाहिए। जो लोग मांस वगैरह खाते हैं तो हनुमान जी महाराज उल्टे आपको फल देने की बजाय दंडित कर देते हैं। मैं इसलिए सारे नियम बता रहा हूँ ताकि आप जो है सतर्क हो जाना और भविष्य में इन गलतियों को करने से बचना है ताकि आपकी बर्बादी ना हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों इसके बाद हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया, इसलिए महिलाओं को विशेष करके कुछ नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि बहुत सी जो महिलाएं हैं हनुमान जी महाराज की मूर्ति को छू लेती हैं। हनुमान जी महाराज की कभी भी मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। अगर कोई महिला हनुमान जी महाराज की मूर्ति को छू लेती है
तो मैं इनके दोष बता रहा हूँ। जबरदस्त मंगल दोष लगता है। उनके पति और उनके पुत्र का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जो माता बहने वीडियो को देख रही हैं, जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है आपके घर परिवार में जो लोग मंगल हनुमान जी महाराज को मानते हैं, ऐसी माता बहनों को कह देना कि कभी भी भूल करके हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्पर्श नहीं करें। अगर मूर्ति को स्पर्श करती है तो उनके पति और उनके पुत्र पर बहुत बड़ा मंगल की दशा चलने लगती है, और मंगल की दशा चलती है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। शिक्षा के क्षेत्र में संतान कभी भी अव्वल नहीं आती, और रक्त संबंधी बीमारी आती है। यहाँ तक कि चर्म रोग जैसी भयंकर जो बीमारी होती है वो आ जाती है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदते हैं। मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदने के कारण आपके जीवन में फायदा मिलने के बजाय आपको नुकसान होने लगता है। मंगलवार के दिन हमें क्या खरीद करके लाना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जय श्री राम लिख देना। तो मंगलवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहा खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार की बजाय दूसरे दिन खरीद सकते हैं। शनिवार को खरीदें लेकिन मंगलवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जातक को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। शनि को लोहा प्रिय है और मंगल को लाल कलर जैसे मसूर की दाल। तो अगर मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति लोहा खरीदता है तो ऐसे व्यक्ति पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, और ऐसे में जातक को बहुत बड़ा भयानक, कितना भी बड़ा आपके पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कांच से जुड़ी कोई भी वस्तु जैसे कि बर्तन है, आईना है, ये खरीद करके नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी को कांच का सामान उपहार में मंगलवार के दिन नहीं देना चाहिए। धर्म शास्त्र कहते हैं इससे जो है धन की हानि होती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं भगवान करे आप सबका भला हो, हनुमान जी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों मंगलवार को जो है भूमि पुत्र मंगल देव कहे जाते हैं। इस दिन कभी भी जमीन की खुदाई मत करना। जो व्यक्ति इस दिन जमीन की खुदाई करते हैं, नया घर खरीदते हैं या फिर इस दिन भूमि खरीदते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन मंगल दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा चरम संबंधी बीमारी होती है। और अगर मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति पान खा करके जमीन पर थूकता है, अर्थात इस धरती माता पर थूकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर मंगल दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन फिर नरक जैसा बीतता है। मैं आप सभी दर्शकों को इसलिए अच्छी अच्छी जानकारी बता रहा हूँ ताकि आप जो है सतर्क हो जाएं। मंगलवार के दिन आप जो है जितने भी वारों में, जैसे सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार है, रविवार है, सब वारों में पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं की, तत्काल फल नहीं देते। लेकिन जो मंगल देव है, हनुमान जी महाराज है, ये आपको चाहे नुकसान देना हो चाहे आपको फायदा देना हो, तत्काल रिजल्ट देते हैं, लेकिन कभी नुकसान नहीं करते। बस आपको एक संयम और नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन श्रृंगार से जुड़ी कोई भी वस्तु घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा खटास पैदा होने लगती है। श्रृंगार का सामान खरीदना है तो शुक्रवार या फिर सोमवार के दिन खरीद सकते हैं। और मंगलवार के दिन दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है, तो मंगल और चंद्र एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। इसलिए मंगलवार को दूध से बनी मिठाइयों का प्रयोग मत करना। आप चाहें तो हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध से बनी कोई भी मिठाई जो है इसका प्रयोग नहीं करना है। कैसा प्रयोग नहीं करना है? आपको बाहर से घर में खरीद करके नहीं लाना है, मंदिर में जाकर के आप तुरंत चढ़ा सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बता रहा हूँ, जिस उपाय से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके कर्ज का भार उतरेगा, आपके जीवन में चल रहा आर्थिक संकट दूर होगा, भगवान आपको धनवान बनाएगा। तो मंगलवार को अगर कोई भी व्यक्ति ऋण चुकाना चाहता है तो एक काम करना, मंगलवार का जो दिन होता है ऋण चुकाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। दोस्तों इस दिन ऋण चुकाने से फिर कभी भी ऋण की आवश्यकता भविष्य में नहीं पड़ती। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो थोड़ा सा भी ऋण मंगलवार के दिन चुकाते हैं, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से किसी न किसी माध्यम से आपको धन प्राप्त हो ही जाएगा और ऋण चुकाने में समर्थवान बन जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन ऋण चुकाने से फिर जिंदगी में दोबारा ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंगलवार को नीम के पेड़ में शाम को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप 11 मंगलवार तक करते हैं तो इस उपाय से भयंकर कष्ट संकट एवं चर्म रोग संबंधित बीमारी तत्काल समाप्त हो जाती है। ये धर्म संबंधित शास्त्रों में लिखा है। मैं आप लोगों को सही जानकारी बताता हूँ, सही दिशा दिखाता हूँ, ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, भला हो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि बहते हुए पानी में अगर मंगलवार के दिन तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी प्रवाहित करिए, फिर धान प्रवाहित करिए, या फिर मसूर की जो दाल है अगर आप किसी को दान करते हैं, तो तत्काल आपकी समस्या खत्म हो जाती है। जो आपकी समस्या चल रही है वो समस्या ये तीन उपाय करने के बाद तत्काल समाप्त हो जाती है। विशेष कामना के लिए आप अपनी बुआ को या फिर अपनी बहन को या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को लाल कलर के वस्त्र दान कर देना। कोई विशेष कामना हो तो वो विशेष कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से मन चाही कामना की पूर्ति होती है। ये धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है और ध्यान से सुनना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो व्यक्ति जय श्री राम नहीं लिखेगा, मैं बिल्कुल ही कहना चाहूँगा ऐसे व्यक्ति सच्चे हिंदू नहीं है, क्योंकि सच्चे हिंदू हमेशा भगवान राम को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। धर्म ध्वजा क्योंकि हनुमान जी महाराज के ही हाथों में है। हनुमान जी महाराज ही हिंदुओं की धर्म ध्वजा अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। तो मंगलवार के दिन अगर मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर के ध्वजा चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि बिल्कुल ही जैसे कि आर्थिक समृद्धि होती है और आर्थिक कष्ट जैसे कि पैसों के कष्ट होते हैं, तो ये पैसों के कष्ट को दूर करते हैं। 5 मंगलवार तक आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के राम लिखित ध्वजा को आपको चढ़ा देना है। आपकी आर्थिक परेशानी तत्काल दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है वो भी दूर हो जाता है। मंगलवार के दिन यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके जीवन के सभी शत्रु का नाश हनुमान जी महाराज कर देते हैं। शत्रु के चितड़े उड़ा देते हैं, ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करते हैं। ये गुप्त प्रयोग आजमाया हुआ है और ये पाठ कम से कम आप 21 दिन तक करते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागा है। कैसा भी बड़ा तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, उन्हें छठी का दूध ये याद दिला देंगे। जो व्यक्ति बंदरों की सेवा करता है उन्हें केले खिलाता है, मिठाइयाँ खिलाता है, फल खिलाते हैं, तो साक्षात बजरंगबली उनके सपनों में आ जाते हैं और आपके घर तक आ जाते हैं। आपको धन दौलत से माला माल कर देते हैं। आपको सिद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के गुड़ बा चने का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। ये प्रसाद 21 मंगलवार तक चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी महाराज सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर पीड़ित है तो उसे मंगलवार के दिन एक पात्र में जल भर करके हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान बाहु का पाठ करते हुए कम से कम 21 से 26 पाठ जरूर करने चाहिए। 21 पाठ उत्तम माने गए हैं। ये पाठ करने के बाद उस जल को जो लोग पीड़ित हैं उसे पिला देना, बिल्कुल ही उसकी जो शारीरिक पीड़ा है, कैसी भी परेशानी हो, वो दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत या अंधेरे से डर लगता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के जो दाहिने पैर का सिंदूर होता है, दाहिनी भुजा का जो सिंदूर होता है, वो बिल्कुल ही आप तिलक करें, अपने मस्तक पर लगाएं। भूत प्रेत बाधा आपको कदापि नहीं सताएगी। नजदीक में भूत आने का प्रयास करेंगे, भस्म हो जाएंगे। या फिर एक चौपाई अवश्य पढ़ लेना। आपको बोलना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आबे, महावीर जब नाम सुनाबे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये चौपाई पढ़ेंगे तो तत्काल भूत वहाँ से भाग जाएंगे, आने की कोशिश करेंगे तो जल भी जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास ने स्वयं इसे बताया है। और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर के मंगलवार को हनुमान चालीसा का कोई भी व्यक्ति पाठ करता है तो कुंडली में किसी भी प्रकार का मंगल दोष हो, मंगल दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि मंगल देव के समान हनुमान जी महाराज माने गए हैं और हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के आपको मंगल प्रदान करते हैं, आपके मंगल को हरते हैं। यदि अपने जीवन में, अपने भाग्य में मंगल चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ढेर सारे उपाय बताया हूँ, संयम एवं नियम मंगलवार के दिन किए जाने वाले मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान।